सो इन द प्रीवियस वीडियोज़ वी हैव ऑलरेडी डन दीवियस ईयर क्वेश्चन अनालिसिस हमने जो है वो पी वाई क्यू अनालस ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर जो है वो देख लिया था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद जो है वो हमने कुछ होमोनेट फॉसिल्स के बारे में जो है वो बात की थी जिसके अंदर पहले जो है वो हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस से स्टार्ट किया होमोहैबल्स तक पहुँचे होमोरेक्टिस किया फिर जो है वो आपके पास हमने हाइडल बर्जेंसिस मैन देखा फिर उसके बाद हमने थ्योरीज भी इसी के बीच में जो है वो देख ली थी एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नियंत्रथाल मैन नियंत्रथाल मैन को एक वीडियो के अंदर जो है वो बता पाना इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट बहुत डिफिकल्ट है प्राइमरिली बिकॉज ऑफ दी एक्सटेंट ऑफ द नियंत्रथाल मैन एंड द मिस्ट्रीज दैट आर सराउंडिंग द नियंत्रथाल मैन ठीक है तो इस चीज़ को बता पाना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट बहुत चुनौती भरा कारण है बहुत आपके पास जो है डिफ़िकल्ट टास्क है सो टू सॉल्व दिस टास्क वी हैव टू डिवाइड द नंद्रथाल मैन इंटू मैनी वीडियोज ठीक है ये जो है वो आपके पास एक जनरल इंट्रोडक्शन होने वाला है नंद्रथाल मैन को देन वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर द डिफरेंट वेरिएशन इन दी नंद्रथाल मैन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना रहा है फिर हम जो है वो उसकी फाइलोजेनिक पोजीशन के ऊपर जो है वो आएंगे ओके okay? सो so, इस तरह से जो है वो हम नंद्र मैन को जो है वो डिस्कस करेंगे नंद्रथाल मैन को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे सो इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द पी डी एफ फाइल अगर आप पी डी एफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं प्लीज़ डाउनलोड दू टू आई एस एकेडमी ऐप आप ऐप को डाउनलोड कीजिए इसके स्टोर सेक्शन के अंदर जाइए और स्टोर सेक्शन के अंदर आपको ये जो कोर्स है ये मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिविज़न एंड आंसर राइटिंग कोर्स इसके रिसोर्स सेक्शन के अंदर जाइए इनसाइड दी रिसोर्स सेक्शन यू विल फाइंड दिस पी डी एफ फाइल ये जो पी डी एफ फाइल है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी ठीक है चलिए सो द नंद्रथाल मैन सो द फर्स्ट आपके पास वो नंद्रथाल नाम कहाँ से पड़ा सो नंद्रथाल मैन इट इज़ अगेन इट हैज़ बीन एग्जिस्टेड इन द लेस्ट लेट प्लाइस्टोसिन पीरियड ये आपके पास लेट प्लाइसटो में जो है वो इसके आपको एग्जिस्टेंस जो है वो मिलता है एंड इट देवर फाउंड और द नंद्रथल मैन देवर फाउंड इन द नंद्रथाल वैली इन जर्मनी नंद्रथाल वैली के अंदर जो है ये मिले और इसका जो द बोन्स जो आपको मिली हैं एक स्कल कैप मिला था एक जो है वो आपके पास जो लिम बोन्स हैं वो आपको मिली हैं ठीक है सो प्रीवियसली इट वॉज़ नेम्ब एज द होमो नंदर्थालेंसेज बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट नाव आपके पास जो है इसको हम होमोसेपियन नंद्रथालेंसेज जो है वो मानते हैं ठीक है बिकॉज ऑफ दैट ऑल जो हमने जो है वो पहले जो डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन थ्यूरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है सो दे अरोज़ अबाउट वन पॉइंट और वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ईयर्स अगो ठीक है और वन पॉइंट फाइव लैख ईयरस को ये जो है वो आपके पास जो है वो इनका uh, जो रीजन है वो हुआ है और फिर जो है वो देखते ही देखते दे वेंट टूवर्ड्स यूरोप एशिया नॉर्थ अमेरिका एक्सेट्रा एक्सेट्रा ठीक है वहाँ तक जो है वो ये पहुँच जाते हैं लेकिन 25,000 साल पहले जो है ये पूरी तरह से जो है वो एक्सटेंट हो जाते हैं ठीक है सो दैट इज हाउ वी सी दी नंदरथाल मैन इन द पिक्चर तो हमने पिछली क्लास के अंदर जब हमने डिस्पर्सल की बात की थी या फिर जब हमने होमोसेपियंस के ओरिजिन की बात की थी तब उसके अंदर हमने देखा था कि नंदरथाल मैन और जो आपके पास डेनिसोवियन मैन है उनका एक कॉमन एंसेस्टर बनना था बन रहा था मतलब उनके अंदर मीटिंग हो रही थी तो आपके पास तकरीबन आपके पास जो नंद्र मैन थे ये कहा जाता है कि नंद्रथाल मैन जो थे दे वर लिविंग इन दी जब उनका ओरिजिन हुआ दे वर लिविंग इन दी कोल्डर क्लाइमेट्स वो कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर जो है वो जी रहे थे दे वर लिविंग इन दी कोल्डर क्लाइमेट्स देयर आर होमोनेड रेंज उनका जो रेंज है वो बहुत बड़ा था फिर धीरे धीरे आपके पास क्लाइमेट चेंज होने लगा आपके पास जो है वो कोल्ड क्लाइमेट्स पोलर्स की तरफ जो है वो बढ़ने लगा सो एज द क्लाइमेट इट मूव टूवर्ड्स पोलर्स नियंत्रथाल मैन भी जो है वो उसी कोल्ड क्लाइमेट के साथ जो है वो डिस्पर्स होते चले गए कुछ नियंत्रथाल मैन जो है वो आपके पास डिस्पर्स होते 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 जो है ईरान के थ्रू जाके जो है डेनिस केव्स के अंदर जो है वो चले गए वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो कुछ होमो इरेक्टस रह रहे थे उनके साथ थोड़ी बहुत भिड़ंत भी हुई होगी लेकिन एट दी एंड वो जो है वो उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और उनके जो है वो बच्चे हो गए कुछ नियंत्र मैन जो है वो आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक पहुँच गए स्कैंडिनेवियन कंट्री से जो है वो टॉर स्टेट से होते हुए नॉर्थ अमेरिका के अंदर चले गए न्यू वर्ल्ड के अंदर चले गए सो so, इस तरह से नंद्रथाल मैन दे फ्लरिश्ड आपके पास जो है वो लेट प्लाइसटोसिन वगैरह के अंदर जब आपके पास लेट, लेट प्लाइस्टोसिन के आगे 25,000 हजार साल तक वो फ्लरिश होते गए लेकिन उसके बाद 25,000 साल बाद जो है वो जो है वो एक्सटेंट हो गए ड्यू टू वेरियस रीजंस ठीक है सो द इन्वायरमेंट नंदरथाल मैन जो है वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन में जो है वो उन्होंने थ्राइव किया है पहले जो था वो आपके पास जो था देर वर द आइस एजिस सो लेट जो लेटेस्ट आइस एजेस हैं उसमें जो है वो नंदरथाल मैन जो है वो आपका ओरिजिन हुआ दैट वाज इन अबाउट 1.1 लाख इयर्स अगो ठीक है फिर उसके बाद जो है धीरे 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 जो है वो चालीस हज़ार साल बाद जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया एंड एवेंचुअली जो है वो नंद्रथाल मैन जो है वो पच्चीस हज़ार साल तक जो है वो जिंदा रहे फिर उसके बाद जो है चले गए ठीक है सो अर्नेस्ट ए हुटन ने जो है वो आपके पास नंदरथाल मैन को क्योंकि नंदरथाल मैन इट हैज़ डिस्पर्सड बहुत लंबा चौड़ा डिस्पर्सल है हर जो आपके पास साइबेरिया से लेके यूरोप तक जो है वो इनकी साइट्स मिलती हैं तो क्योंकि इतना लंबा चौड़ा इनका डिस्पर्सल है तो नंद्रथाल मैन को दो क्लासेस के अंदर क्लासीफाई कर दिया है एक क्लास class, एक क्लासिकल एक प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव दे आर एनाटोमिकली बिकॉज हुटन है ना तो हुटन तो ऐसे ही करेंगे कि आपके पास बायोलॉजिस्ट हैं तो एनाटोमिकली आपके पास जो है वो प्रोग्रेसिव का मतलब है दैट दे आर मोर लाइक ह्यूमन्स क्लासिकल दे आर मोर लाइक एप या फिर दे आर मोर लाइक एरेक्टस एरेक्टस जैसे हैं वो ठीक है so, सो आपके पास जो है क्लासिकल टाइप ये कहाँ पे मिले? फ्रांस के अंदर मिले ला चैपल एक्स सेट जो है वो केव्स हैं ला फेरे केव हैं फ्रांस के अंदर मोस्टेरियन केव हैं यहीं से मोस्टेरियन टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट होती है फिर आपके पास बेल्जियम के अंदर स्पाई केव हैं फ्रांस के अंदर लाकना केव हैं फिर उसके बाद जर्मनी के अंदर नंदर वैली है आपके पास जो है वो इटली के अंदर मॉन्ट सिसरो है फिर जबरालतर के अंदर आपके पास जो है वो क्वेरी केव है फोब्स क्वेरी केव है फिर जबरालतर के अंदर ही आपके पास जो है वो डेवल टावर मिलता है तो यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो नंद्रथाल मैन यानी कि क्लासिकल टाइप ऑफ नंद्रथाल मैन जो है वो आपको मिलता है दिस इज़ अबाउट यूरोप ये यूरोप के बारे में है फिर उसके बाद हम अफ्रीका में आते हैं ऑब्वियसली सदरन अफ्रीका तक तो ये पहुँचेंगे नहीं ये आपके पास जो क्योंकि वहाँ पे टेम द क्लाइमेट इट इज़ दी इट इज़ मोर हॉट क्लाइमेट तो आपके पास जो है वो हुआ फतेह केव हैं वो लिबिया के अंदर फिर आपके पास जो है वो जबरेल दो केव्स हैं आ, इरहोद केव हैं वो मोरक्को के अंदर शानीदार केव्स हैं इराक के अंदर ठीक है आपके पास जो है आश केव्स हैं उज्बेकिस्तान के अंदर दराकूर है आपके पास अफग़ानिस्तान के अंदर ठीक है तो दीज आर दी साइट्स ये जो है वो एशिया के अंदर और जो है वो आपको आ, इनकी साइट्स जो हैं क्लासिकल की साइट्स जो हैं ये आपको जो है वो मिलती हैं एशिया और अफ्रीका के अंदर नदरन अफ्रीका के अंदर ही ऑब्वियसली मिलेंगी फिर उसके बाद ये बात आती है डिस्पर्सल और ये बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल टाइप फिर आगे पहुंचते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द प्रोग्रेसिव टाइप प्रोग्रेसिव का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है ठीक है सो द स्कल्स ऑफ द प्रोग्रेसिव दे आर डिस्कवर्ड एट दी तबू जो आपके पास माउंट कैरमल के अंदर है इज़राइल के अंदर स्कूल के अंदर दैट इज़ अगेन एट द माउंट कैरमल वो जो है वो मिले हैं कुछ नाटूफियन के कल्चर के ऊपर वाला इलाका है वहाँ पे भी जो है वो आपको प्रोग्रेसिव टाइप जो है वो मिले हैं ठीक है सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोग्रेसिव टाइप नाउ क्वेश्चन वैसे कोई यहाँ से कोई पर्टिकुलरली सवाल जो है वो नहीं पूछा जाता बट पूछा जा सकता है क्योंकि डिस्पर्सल इतना लंबा चौड़ा है इतना बड़ा डिस्पर्सल है ठीक है एवेल्युएट द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट सो द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्ट इट इज एवेलुएट एवेल्युएट और इनमरेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नियंत्रथाल मैन ठीक है ये जो है वो पूछा जा सकता है ठीक है इसको लम्बा चौड़ा जो भी बना, बना दें मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो सवाल पूछा जा सकता है आंसर इन द इंट्रोडक्शन यू हैव टू इंट्रोड्यूस लाइक कि आपके पास जो नियंत्रथाल मैन है वो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के बीच में आपकी जो लास्ट आइस एज हुई है दैट इज़ 1.1 पॉइंट वन लैख ईयरस अगो और 1.2 पॉइंट टू लैख ईयर्स अगो ये आपके पास जो है वो आइस एज हुई है और इससे 25,000 साल तक जो है वो ये जिए हैं ओके okay? ये इनका लाइफ स्पैन है फिर उसके बाद इनका जो क्लाइमेट है ओबियसली यहीं पे लिख दिया आइस एज जो है वो टेम्परे कूलर काइंड ऑफ क्लाइमेट है इनका जो नियंत्रथाल मैन का जो क्लाइमेट है फिर उसके बाद पते की बात आप लिखोगे पते की बात यह है कि अरनस्ट ए हुटन ने हुटन ने जो है वो आपके पास इसको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है बिकॉज डिस्पर्सल बहुत बड़ा है ठीक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है तो इसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है एक है क्लासिकल और एक है प्रोग्रेसिव ओके देन उसके बाद आप लिखोगे कि क्लासिकल को जो है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सीन लाफोर्ड, मोस्टेरिया केव एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सारे लिखोगे आप फिर उसके बाद प्रोग्रेसिव जो है वो कहाँ पे मिले हैं ठीक है क्लासिकल दे आर मोर इरेक्टस लाइक इरेक्टस लाइक दे आर मोर होमो लाइक प्रोग्रेसिव स्कूल के शानीदार वो सारे लिखोगे ठीक है सॉरी शानीदार इज इन आपके पास क्लासिकल के अंदर है प्रोग्रेसिव के अंदर माउट कैरामल माउट कैरामल के अंदर सॉरी माउट कैरामल के अंदर जो है वो आपको ये मिले हैं ठीक है so, सो इस तरह से जो है वो इनके बारे में आप जो है वो बात करोगे देन उसके बाद जो है यू कैन कंक्लूड फिर उसके बाद आप जो है वो अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हो कि जो नंत्रथाल मैन है ये एक इट इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप इन द फॉर्मूलेशन ऑफ द होमोसेपियंस होमोसेपियंस का फॉर्मूलेशन नियंत्रथाल मैन के साथ बहुत क्रूशियल स्टेप जो है वो साबित होता है ठीक है सो so, uh, क्यों साबित होता है बिकॉज ऑफ दी हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा और नियंत्रथाल मैन का जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसी की वजह से हम जो मॉडर्न होमोसेपियंस एपियंसिस हैं वो जो है वो आपके पास बन पाए हैं ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्ट्रक्चर यूर आंसर इस तरह से जो है वो अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कॉल ऑन दैस दैट नंबर नंबर के ऊपर आप राइट कर सकते हैं आंसर को लिखना हो सबमिट करना हो जो आपको नंबर दिया गया है उसके ऊपर जो है वो आप अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो वो आप जो है वो आप नंबर के ऊपर जो है वो भेज सकते हैं ठीक है चलिए थैंक यू वेरी मच सो इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द कमिंग फोर्थ कमिंग वीडियोस वी विल ट्राई टू सी दैट व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका नंद्र थाल मैन का और अलग अलग जो आपके पास नियंत्रथाल मैन हैं उनके क्या करैक्ट्रिस्टिक्स जो है वो आपको मिले हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी फाइलोजेनिक पोजिशन फिर जो है वो हम नियंत्र की फाइलोजेनिक की जो है वो बात करेंगे ओके चलिए थैंक यू वेरी मच होप दिस वीडियो इट वॉज़ और दिस लेक्चर इट वॉज वर्थ वॉचिंग थैंक यू वेरी मच